हम देखते हैं सिलोजिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट है स्टेटमेंट, अगर ऐसा है ऑल ए आर बी तो आपका वेन डायग्राम कैसा होना चाहिए। अगर ऑल ए आर बी है तो ऑल ए आर बी का मतलब क्या हुआ, बिगर सेट कौन सा हुआ, ऑब्वियसली बी हुआ। ठीक है, सो आप क्या करोगे ऐसे के लिए एक बी सेट बना दोगे इस तरीके से। ठीक है, और ऑल ए आर बी बोला गया है कि सब ए बी है तो ए ऑब्वियसली इसके अंदर रहेगा, तो उसको इस तरीके से दिखा दो। सो ये हो गया आपका ऑल ए आर बी। सो ये वेन डायग्राम से आपके कंक्लूजन क्या क्या बन सकते हैं, एक तो आपका कंक्लूजन क्या बन सकता है, जो स्टेटमेंट है वही कि ऑल ए आर बी। दूसरा कंक्लूजन क्या बन सकता है कि सम ए आर बी। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन मतलब मिनिमम कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, सब है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसीलिए ऐसा याद रखना है कि अगर ऑल ए आर बी स्टेटमेंट है और कंक्लूजन में ऐसा बोला गया है कि सम ए आर बी, तो वो कंक्लूजन सही है। ठीक है, क्योंकि सम ए आर बी का मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ ए बी है, बट वेन डायग्राम में क्या है, हमारे स्टेटमेंट में क्या है कि सब ए बी है, तो वो सम तो सही ही है ऑब्वियसली, इसीलिए वो भी कंक्लूजन हमारा सही होगा। दूसरा कंक्लूजन कौन सा सही हो सकता है, सम बी आर ए। ठीक है, यहाँ पे सम बी आर ए भी आपका सही होगा। ठीक है, सो सम बी मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो ए है वही बी हो जाएगा। ठीक है, ये जो अभी आउटसाइड में पार्ट कर रहा हूं, ये जो मैं पार्ट कर रहा हूं अभी ए के अंदर दिखाया गया है, वो क्या है, वो ए तो है ही है बट वो बी भी तो है। ठीक है, सो बी का जो ए के अंदर वाला पार्ट है दैट इज अ पार्ट कॉल्ड सम बी। ओके, सो सम बी आर ए वो भी एक डेफिनेट कंक्लूजन हुआ, राइट। सो ये तीन कंक्लूजन हम बता सकते हैं डेफिनेट कंक्लूजन ये स्टेटमेंट के लिए, राइट। अभी मुझे बताओ अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ऑल ए आर बी वो तो है ही है, बट यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन क्या बन जाएगा, ऑल बी आर ए वो भी एक हो जाएगा, बट स्टेटमेंट में बोला गया है, स्टेटमेंट में तो ऑल ए आर बी है बोला गया, उसका कन्वर्स सही नहीं है। ठीक है, सो दिस मे बी पॉसिबिलिटी बट वॉट इज द डेफिनेशन डेफिनेट, तो जो पहला था वो डेफिनेट कंक्लूजन था। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल ए आर बी इज अ डेफिनेट कंक्लूजन, राइट। सम ए आर बी इज अ डेफिनेट कंक्लूजन, सम बी आर ए इज ऑल्सो डेफिनेट कंक्लूजन, बट ऑल बी आर ए इट्स नॉट अ डेफिनेट कंक्लूजन, इट्स अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, वो पॉसिबल कंक्लूजन हो सकता है, डेफिनेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो एक कंक्लूजन नहीं है ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो आपका कंक्लूजन सही है। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन में आपको दो तरीके से लिखा सकते हैं, कंक्लूजन एक ऐसा दिखाई दिया गया ऑल बी आर ए, और दूसरा कंक्लूजन ऐसा हो दिया ऑल बी कैन बी ए इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्या था, ऑल बी आर ए, तो वो तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि ऑल ए आर बी उसका कन्वर्स सही नहीं है, बट दूसरे कंक्लूजन में क्या बोल दिया गया, ऑल बी कैन बी ए इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है इसीलिए वो सही है, राइट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट देखें, सेकेंड कॉन्सेप्ट में बोला गया है नो ए आर बी। नो ए आर बी को हम कैसे रिविजन करेंगे, दोनों अलग अलग है, ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है और उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सो नो ए आर बी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे डेफिनेट कंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं कि नो ए आर बी नो बी आर ए। सो ये तो बहुत सिंपल था कॉन्सेप्ट टू। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट, नाउ देखते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट सम ए आर बी। ठीक है, सम ए आर बी का मतलब क्या हुआ, कुछ ए जो है वो बी है, ये बी, तो कुछ ए बी है मतलब ये वाला पार्ट हो गया, तो ये तो बहुत सिंपल है सम ए आर बी। ठीक है, दिस इज द डेफिनेट कंक्लूजन, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम बी आर है वो भी एक सही स्टेट यहाँ पे कंक्लूजन हो सकता है, राइट। बट क्या यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं ऑल ए आर बी या फिर ऑल बी आर है, नहीं ना। ठीक है, सो डेफिनेट कंक्लूजन यहाँ पे एक ही हो सकता है सम बी आर है। दूसरा अगर मैं सोचूं क्या मैं इस तरीके से इसको लिख सक ड्रॉ कर सकता हूँ वेन डायग्राम को, इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देखोगे सम ए आर बी हो रहा है तो यस डेफिनेटली हो रहा है क्योंकि ऑल बी आर ए हो रहा है यहाँ पे, ये वेन डायग्राम है, ऑल बी आर ए का मतलब क्या हो जाएगा,
सम ए आर बी, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है बी का, दैट इज ऑल्सो तो ए का पोर्शन तो है ही है, इसलिए हम बोल सकते हैं ना कि सम ए आर बी, तो ये एक डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल बी आर ए हो जाएगा, बट स्टेटमेंट में ऑल ए आर बी नहीं बोला गया है, सम ए आर बी बोला गया है, ओके तो ये पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसा ड्रॉ करोगे, ठीक है, इसमें मुझे बताओ सम ए आर बी स्टेटमेंट हमारा सही हो रहा है, तो यस डेफिनेटली हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला सम का मतलब एटलीस्ट सब भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे सम ए आर बी को इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट इससे कंक्लूजन क्या बनेगा, ऑल ए आर बी हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल ए आर बी कंक्लूजन सही है, नहीं है, बट ऐसा करा जाए ऑल ए कैन बी बी इज अ पॉसिबिलिटी तो सही है, बिकॉज इट्स अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो जो हमारा फर्स्ट डायग्राम था वो डेफिनेट कंक्लूजन था, और दूसरे दो जो हमने ड्रॉ किए वो पॉसिबल कंक्लूजन हो सकते हैं, ठीक है, जहां पे वर्ड पॉसिबिलिटी मेंशन किया है तब ये वेन डायग्राम सही है, बट डेफिनेट कंक्लूजन तो आपको फर्स्ट वाले फिगर से ही करना है, ठीक है। नाउ फोर्थ कॉन्सेप्ट, सम ए आर नॉट बी, तो सिमिलरली डेफिनेट कंक्लूजन तो वैसा ही रहेगा लाइक दिस वे, ए बी, यहां पे क्या बोला गया है, सम ए आर नॉट बी, ठीक है, ऐसा पोर्शन खोजना है जहां पे बी के पार्ट में ए नहीं है, तो ऐसा कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है जहां पे ए नहीं आ रहा है, ठीक है, बाकी हर एक पोर्शन में ए तो ए ही है, तो सम ए आर नॉट बी का डेफिनेट कंक्लूजन ये हो गया। इसका और कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम, इसका डेफिनेट और कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि सम बी आर ए, ठीक है, इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, सम बी आर ए वो डेफिनेट कंक्लूजन हो जाएगा, क्योंकि सम ए आर नॉट बी तो आपको उसका पॉजिटिव कर देना है कि सम बी आर ए वो एक डेफिनेटली कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है, तो ये डेफिनेट कंक्लूजन हो गया। बट अगर मैं इसको ऐसा बना सकता हूं क्या, ऐसा अगर मैं बनाऊं तो क्या वो सही रहेगा, मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर नॉट बी, मतलब एटलीस्ट वन ए बी नहीं होना चाहिए, सब भी हो तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सो ऑल ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर तो यहाँ पे अगर ऐसा बोला गया है कंक्लूजन में कि नो ए आर बी, तो वो सही हो जाएगा, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी है, कंक्लूजन नहीं है, ठीक है, उसकी जगह पे ऐसा लिखा गया है नो ए कैन बी बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी कंक्लूजन आपका सही होगा, ठीक है। तो ये जो चार कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, कॉन्सेप्ट 1, 2, 3 एंड 4, ये चार कॉन्सेप्ट आपको बाय हार्ट कर लेने हैं, कुछ भी करके आपको ये चार कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए, उसका डेफिनेट वेन डायग्राम कौन सा होगा और उसका पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकता है वो पता होना चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर ये चार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए तो आपको सिलोजिज्म में कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं सॉल्व होगा आपसे, ठीक है। तो ये चार कॉन्सेप्ट को आपको स्टडी, ये चार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो उसको फिर हमने और इंटीग्रेट करके और कहे कुछ हमने कॉन्सेप्ट बनाया है, जैसे कि कॉन्सेप्ट नंबर 5, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, तो उसको अगर मैं वेन डायग्राम में ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इस तरीके से ये मैंने ए बना दिया सम बी आर बी, तो ये तो डेफिनेटली हो गया सम बी आर सी, ये हो गया, ठीक है। तो अभी आप गैस करो कि कंक्लूजन क्या क्या हम बना सकते हैं ये वेन डायग्राम से, ये वेन डायग्राम से क्या हो सकता है कि सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम बी आर सी, सम सी आर बी, ठीक है, और ए और सी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है, वो क्या रिलेशन हो सकता है उन दोनों के बीच में, तो पता नहीं, कांट बी डिटरमाइंड, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी कांट बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इट कैन बी पॉसिबल दैट सम ए आर सी ऑल्सो पॉसिबल, ऑल ए आर सी ऑल्सो पॉसिबल, ऑल सी आर बी ऑल्सो पॉसिबल, ऑल सी आर ऑल्सो पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, बट दिस विल बी द डेफिनेट कंक्लूजन यहाँ पे, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 6, स्टेटमेंट है सम ए आर बी ऑल बी आर सी, सम ए आर बी को आप इस तरीके से बनाओगे सम ए आर बी ऑल बी आर सी, मतलब बी जो है वो छोटा सेट है, सी बड़ा सेट है,
तब उसको ऐसे बना सकते हो ऑल बी आर सी। तो यार डेफिनेट कंक्लूजन हो गया, ठीक है। इससे और कंक्लूजन क्या बना सकते हैं हम, सम ए आर सी वो भी हम बना सकते हैं, ऑल बी आर सी वो तो दिया ही हुआ है, सम बी आर वो भी एक डेफिनेट कंक्लूजन हो गया, सम ए आर सी वो भी एक डेफिनेट कंक्लूजन हो गया। तो ये हमारे स्टेटमेंट से इस तरीके से वेन डायग्राम बना सकते हैं। बट अगर मैं चाहूं तो यहां पे मैं ऐसे बना सकता हूं, अब कुछ भी करो, कोई भी अगर आप वेन डायग्राम बनाते हो तो आपको वेन डायग्राम के बाद एक बार स्टेटमेंट देखना है। अगर वो वेन डायग्राम में आपका स्टेटमेंट सही हो रहा है तो आपका वेन डायग्राम सही है, ठीक है। आपका वेन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपका स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन गलत हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ भी हो जाए स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपका, ठीक है। सो अगर ये मैं यहाँ पे देखूँ, सम ए आर बी हो रहा है तो हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। ऑल बी आर सी हो रहा है, ऑल बी आर सी हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, ठीक है। बट क्या ये सही डेफिनेट कंक्लूजन है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ऑल ए आर सी हो गया यहाँ पे, और हम यहाँ पे बोल नहीं सकते कि ऑल ए आर सी है या सम ए आर सी है, ठीक है। सो ऑल ए आर सी विल बी दी पॉसिबिलिटी इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट। सम ए आर सी तो वो डेफिनेट कंक्लूजन है क्योंकि आपका फर्स्ट जो डेफिनेट डायग्राम था उसमें हो रहा है, बट सेकेंड आपका ऑल ए आर सी हो रहा है, दिट विल बी दी पॉसिबिलिटी, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर सेवन, ऑल ए आर बी सम बी आर सी, तो उसको कैसे बनाएंगे? ये मैंने बना दिया पहले, ऑल ए आर बी सम बी आर सी, सम बी आर सी, ठीक है। सो इससे मैं क्या कंक्लूजन बना सकता हूँ कि सम सी आर बी वो एक कंक्लूजन हो सकता है, सम ए आर सी हो सकता है तो यहाँ से नहीं हो सकता है, ठीक है। सम बी आर सी हो सकता है, सम सी आर बी हो सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा और कोई कंक्लूजन नहीं बन सकता है। बट अगेन यहाँ पे मैं ऐसा बना सकता हूँ, ये मैं ड्रॉ करता हूं तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो रहा है। ऑल ए आर बी वो सही है, सम बी आर सी वो भी सही हो रहा है, बट एक्स्ट्रा क्या बन रहा है जो स्टेटमेंट मैंने दिया है? वो ऐसा बन रहा है कि सम ए आर सी और सम सी आर ए जो स्टेटमेंट ने नहीं बोला गया है। तो ये कंक्लूजन नहीं है, बट ये क्या है, पॉसिबिलिटी है कि सम ए आर सी और सम सी आर ए, ठीक है। आपका डेफिनेट कंक्लूजन क्या है कि जहां पे आपका ए और सी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर कंक्लूजन में ऐसा लिखा गया है कि सम ए आर सी तो वो गलत है, बट ऐसा लिखा गया है कि सम ए कैन बी सी इज अ पॉसिबिलिटी तो सही है, राइट। सो डेफिनेट कंक्लूजन आपको कुछ भी हो जाए वो यूनिवर्सल कंडीशन है, कुछ भी हो जाए वो सही होना चाहिए, तभी वो कंक्लूजन आपका सही है, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर एट, ऑल बी आर ए एंड ऑल सी आर ए, तो क्या बना सकते हैं मैं यहाँ पे, ऑल बी आर ए देन ऑल सी आर ए, ठीक है। सो इस कंक्लूजन से हमें क्या पता चलता है, इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, सम बी आर ए, सम सी आर ए, ऑल बी आर ए, ऑल सी आर ए, दोज आर द डेफिनेट कंक्लूजन। बट अभी मैं अगर ये डायग्राम बनाऊँ तो क्या उसमें कुछ गलत है? यहाँ पे भी ऑल बी आर ए है, ऑल सी आर ए है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो गया, सम बी आर सी, ठीक है। बट ये स्टेटमेंट में था नहीं था, बट स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट तो आपके सही हो रहे हैं, राइट। तो ये डायग्राम क्या हो गया आपका, पॉसिबल हो गया। सम बी कैन बी सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर सी इज नॉट द कंक्लूजन, इट्स अ पॉसिबिलिटी। तो ये आपका डेफिनेट कंक्लूजन है और ये आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी है, ओके। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज यही आपको आगे जाके काम आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो और उसको रिवाइंड करो और उसको ध्यान से समझो एक बार, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जानने बहुत जरूरी है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट पे ही आपके एग्जाम्पल्स सॉल्व होने वाले हैं। नाउ कॉन्सेप्ट नाइन, ऑल ए आर बी नो बी आर सी, सो दिस ऑल ए आर बी नो बी आर सी, तो नो बी आर सी, ठीक है। सो इससे सिर्फ डेफिनेट एक ही कंक्लूजन बन सकता है, नो ए आर बी
तो सिर्फ इससे एक ही कंक्लूजन बन सकता है, दैट नो बी आर सी है और ए जो है वो बी के अंदर है, दैट मीन्स नो ए आर सी इट्स ऑल्सो कंक्लूजन। तो यहाँ पे आपका एक ही डेफिनेट डायग्राम बन सकता है। कॉन्सेप्ट 10, स्टेटमेंट है सम ए आर बी, तो सम ए आर बी नो बी आर सी, नो बी आर सी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, कंक्लूजन क्या बना सकते हो आप यहाँ पे, सम ए आर बी है तो है, सम बी आर ए है तो है, नो बी आर सी है तो वो है। क्या आप यहाँ पे बोल सकते हो नो ए आर सी, ये डायग्राम को ड्रॉ कर, ये डायग्राम से आप क्लियरली बोल सकते हो कि नो ए आर सी। बट यहाँ पे ऐसा भी तो बना सकते हैं हम, आपको क्या बोला गया था सम ए आर बी एंड नो बी आर सी, तो मैं सी को इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या ए के अंदर, तो भी स्टेटमेंट तो गलत नहीं हो रहा है ना आपका, है ना। सो इससे कंक्लूजन क्या बन जाएगा, ऑल सी आर ए, बट क्या वो सही हो सकता है, तो नहीं, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल सी आर ए, इट्स अ पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट डेफिनेट ट्रू, ठीक है। सो आपका डेफिनेट यहाँ पे क्या हो सकता है कि सम बी आर ए नो बी आर सी, उससे ज्यादा आप यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सम ए आर सी भी हो सकता है, नो ए आर सी भी हो सकता है एंड ऑल सी आर ए भी हो सकता है, वो सब पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी। तो ऐसे एग्जाम्पल्स मोस्टली आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 9 और कॉन्सेप्ट नंबर 10। ऐसे अगर एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाते हैं जल्दी से, तो आपके एग्जाम्पल्स जल्दी फिर सॉल्व होंगे और एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अभी हमने जो भी कॉन्सेप्ट 10 पढ़े, एक बार आप उसको फिर से रिवाइज करो, उसको नोट डाउन करो, जब तक नोट डाउन करके खुद नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आने वाला है, ओके। तो फिर से एक बार ये 1 से 10 कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़े हैं वो एक बार फिर से आप नोट डाउन करके सही तरीके से समझ लो, और फाइनली ये हमने जो मेन जो 4 हमारे स्टेटमेंट होते हैं ऑल नन सम और सम नॉट, उसका यहाँ पे हमने सिंपल फॉर्म में फिगर ड्रॉ की हुई है, वो एक बार आप उसको आराम से यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ ही लिया है।